स्टूडेंट गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट सेकंड. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड डेप्थ वेलोसिटी. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने करंट और डेप्थ वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड डेप्थ वेलोसिटी. और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम आगे के यूनिट्स में भी काफी ज्यादा यूज करते हैं. तो करंट और डेप्थ वेलोसिटी में क्या रिलेशन है. अब देखो, हमारे पास जो डेप्थ वेलोसिटी आई थी उसमें हमने क्या किया था कि एक हमारे पास एक कंडक्टर है, मींस कोई भी वायर है, मेटल एक कंडक्टर है, और जो एरिया ऑफ कंडक्टर है वो हमने कितना ले लिया, ए, और एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है. और एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो करंट का फ्लो तो किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, उस वेलोसिटी को हमने क्या कहा था, डेप्थ वेलोसिटी. डेप्थ वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, द एवरेज वेलोसिटी इन विच द पार्टिकल आर एक्सेलरेट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करते हैं. तो देखो यहाँ पर हमारे पास करंट और डेप्थ वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है. तो वी नो दैट सबसे पहले तो हमारे पास करंट होता क्या है, तो करंट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हुए कंडक्टर. इट मींस हमें क्या निकालना है, ओनली चार्ज और टाइम निकालना है, और उन दोनों का रेशियो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा. मीन्स इन दोनों का जो रेशियो है उसको करंट कहते हैं. तो मीन्स हम पहले चार्ज निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, टाइम, और फिर हमारे पास यहां से रिलेशन आ जाएगा. बिल्कुल भी रटे नहीं मारना, जो जब भी हमें रिलेशन चाहिए तो उस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि पहले वो क्वांटिटी होती क्या है. तो यहां से देखो बेटा, अब हमें पता नहीं कि कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. मीन्स वैसे तो आपको बताया था 10^29 मीटर इनवर्स क्यूब बताया था, मीन्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन हमें नहीं पता कितने हैं. तो हम किसकी फॉर्म में लेते हैं, नंबर डेंसिटी की फॉर्म में लेते हैं, और नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नेट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. और यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, यहां पर ए लेंथ और ब्रेथ की जगह तो ए काम कर रहा है, और हाइट की जगह क्या काम कर रहा है, एल. तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो हमारे पास कितनी हो गई, ए एल. तो यहां से देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन इंटू वी, एन हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी. तो n इंटू वी, वी की जगह हम कितना पुट कर देंगे, a इंटू एल. तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास इसके अंदर, वो कितने हो गए, n a l. और इफ ये हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास, हम मान लेते हैं कि कितना है, e, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है, n a l. सो टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज एन ए एल ई. तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल चार्ज. तो देखो बेटा, चार्ज तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, यहां से टाइम निकालेंगे. और टाइम निकालने के लिए देखो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर दी हुई है, मींस पार्टिकल है वो इतनी लेंथ ट्रेवल करके पॉजिटिव एंड की तरफ आ रहे हैं, और साथ में पार्टिकल की वेलोसिटी भी दे रखी है. और वी नो दैट वेलोसिटी या जो स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहां से देखो बेटा, जो वेलोसिटी है या हमारे पास से जो स्पीड होती है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमें टाइम निकालना है. तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई वी डी. तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम. और टोटल चार्ज है वो हमारे पास कितना आया, टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल आ गया, एन ए एल ई. और टाइम कितना आ गया, एल बाई वी डी. ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू हमारे पास कितना आया, एन ए एल ई डिवाइड बाई टी, टी हमारे पास कितना है, एल बाई वी डी, एल से एल कैंसिल. तो आई इक्वल टू कितना आ गया, एन ई ए वी डी. यही हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड डेप्थ वेलोसिटी. तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड डेप्थ वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि करंट होता क्या है. तो करंट हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और कंडक्टर होता है. तो हमने चार्ज निकाल लिया, हमें नहीं पता इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमने नंबर डेंसिटी के फॉर्म में ले लिया. नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नेट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो यहां से हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल आ गया, एन ए एल ई के इक्वल. और टाइम हमारे पास कितना है, एल बाई वी डी. ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो हमारे पास जो करंट है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड डेप्थ वेलोसिटी, किसके इक्वल आ गया,
I is equal to NEABD और इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे जहां पर भी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की बात आएगी तो वहां पर हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। इसी का जो सेकंड रिलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी के फॉर्म में है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट मोबिलिटी। I is equal to कितना है NEABD। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट मोबिलिटी। मोबिलिटी हमारे पास क्या होती है, छोटी सी टर्म है ये मोबिलिटी। जैसे कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे थे, जिस वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट हो रहे थे उसको हमने क्या कहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो पार्टिकल थे वो एक्सेलरेट हुए। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। की मोबिलिटी है वो हमारे पास क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी आर्टिकल्स में हमने डिस्कस की थी तो वो हमारे पास किसके इक्वल आई थी, ई टाउ बाई एम। वहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर आप जनरली क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। अगर क्यू से आप लगाना चाहो तो यहाँ पर क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि चार्ज तो था लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी इसलिए चार्ज की जगह हमने कितना पुट कर दिया था, ई। वैसे हमारे पास ये वैल्यू माइनस की आई थी लेकिन मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं हम वह मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया ई, ई से ई कैंसिल हो गया। तो ये जो मोबिलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और मोबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल आ गई, क्यू टाउ डिवाइड बाई एम। तो म्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, क्यू टाउ बाई एम। इसका भी हम यूज करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर और इस रिलेशन का भी हम यूज करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर। और केमिस्ट्री में हमने थोड़ा सा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा भी होगा कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनको होल्स कहते हैं। और यहां पर अगर हम मोबिलिटी ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई होता है, टाउ हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर हम रिलैक्सेशन टाइम जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे, और एम ई हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम यूज करेंगे आगे मोबिलिटी का कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये होती है हमारे पास। मोबिलिटी ऑफ होल की बात करें तो यहां पर रिलैक्सेशन टाइम होल का ले लेंगे डिवाइड बाय होल, और होल इज कंसिडर एज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर एज ए नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर चार्ज है वो तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, मीन्स पॉजिटिव ही और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम ही है इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास हो जाएगी मोबिलिटी ऑफ होल और ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे कि वहां पर हम यूज करेंगे एक सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर जो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उनको हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जैसे कि हमारे पास वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक को फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एन टाइप और पी टाइप। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं। तो वहां पर हम इसका हम यूज करेंगे, अभी वहां पर आपको नहीं जाना, ओनली ये बताया आपको कि वहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो मोबिलिटी मीन्स वहां पर हमारे पास जो टोटल करंट होगा वो जैसे कि कंडक्टर के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स भी हैं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो टोटल करंट है वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण होगा। वैसे तो जो इलेक्ट्रॉन का करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, लेकिन वहां पर जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन सॉरी टोटल करंट की बात करेंगे तो वो सम होता है इलेक्ट्रॉन के जो भी हमारे पास जैसे कि उसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर होंगे उनके द्वारा जो टोटल करंट होगा वो उनका अलजेब्रिक सम ही रहेगा, क्योंकि करंट है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम यूनिट की बात करते हैं तो समझ आ गया होगा बेटा कि एक टर्म होती है मोबिलिटी। मोबिलिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था हमारे पास, ई टाउ बाई एम लिख दो या क्यू लिख दो, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और एम हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे वहां पर, तो एम हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते भी हैं 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। तो ये हमारे पास है मोबिलिटी। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में देखो बेटा मोबिलिटी की आप कैसे कैसे इसकी यूनिट्स है वो टू टाइप्स आप लिख सकते हैं यूनिट्स।
कैसे इन एसआई सिस्टम में ही बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी है और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसलिए ड्रिफ्ट से किया। बाकी आपके पास वेलोसिटी की तो जो यूनिट्स है वो हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो बेटा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है इज इक्वल टू बाय क्यू होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की कूलम्ब। तो ये कूलम्ब इनवर्स हो गया यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख देंगे, मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन इनवर्स और कूलम्ब। तो ये हो गया हमारे पास। दूसरी देखो यूनिट्स हम ये भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन अभी हमारे पास क्या था कि एक कंडक्टर, जैसे कि कल भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है और एल हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर था और ड्यू टू द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेट होता है जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, E इक्वल टू V बाई एल। तो यहां पर देखो बेटा E की जगह हम कितना पुट कर देंगे, V बाई एल। V हमारे पास पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, और L हमारे पास लेंथ है। ऊपर लेके जाएंगे तो देखो ऊपर चला जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकेंड यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, मोबिलिटी की यूनिट्स। मोबिलिटी को हम इस यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं और इस यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी टर्म थी मोबिलिटी, तो समझ आ गया होगा। यहाँ अब इस जो करंट है इसको मोबिलिटी के फॉर्म में लिख देंगे, तो देखो आई जी कर लू कितना है, एन ई ए वी डी, और वी डी हमारे पास किसके इक्वल आया बेटा, अभी यहां से देखो मोबिलिटी, मोबिलिटी है वो हमारे पास कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम कितना पुट कर देंगे, म्यू ई। तो यहां पर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमने कितना पुट कर दिया, म्यू ई। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, एन ई ए म्यू ई। अगर इसमें आप और भी चाहो इसका रिलेशन, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमने कितना पुट किया है, म्यू इंटू ई। अब अगर मान लीजिए इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह अगर दूसरा रिप्रेजेंटेशन चाहो, तो जैसे आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे उस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं इस करंट को, एन ई ए वी डी। वी डी की जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं ई ई टाउ बाई एन। तो फिर हमारे पास ये रिलेशन कितना आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एन। मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया ई ई टाउ बाई एन, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एन। तो ये है। अब अगर मान लीजिए हमसे करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पूछते हैं, तो ये वाला रिलेशन निकाल दोगे, मीन्स सोल्व तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला निकाल दोगे। अगर मोबिलिटी की सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह अगर मोबिलिटी वर्ड दे दिया जाए, तो वी डी की जगह म्यू ई पुट कर दोगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारे पास यही था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और नेक्स्ट क्या था, मोबिलिटी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।